सीधा सवाल कि भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक भविष्य क्या देख रहे हैं सर आप? देखिए प्रज्ञा, मैं थोड़ा आपके सवाल का जवाब देने से पहले थोड़ा पीछे जाना चाहता हूँ, और बड़ा शर्मिंदा भी हमें कई बार होना पड़ा था। 2019 के चुनाव से पहले इनके कई सारे मंत्रियों ने, पीयूष गोयल रेल मंत्री थे उस टाइम पे, कई मंत्रियों ने जाते जाते ब्यूरोक्रेट को धमकाने और दबंगई दिखाने का काम ये किया था कि आप ये मत सोचिए कि हम जा रहे हैं, तैयारी रखिए, ये तो हम एक चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तुरंत वापस आएंगे। और कई मंत्रालयों से हमें इस तरह की खबरें सुनने को मिली थी और हम आश्चर्यचकित थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, अगर ये जीतेंगे भी तो ये मंत्रालय इन्हीं को मिलेगा, ऐसा कैसे हो सकता। कई मंत्रालयों से हमें इस तरह की सूचनाएं मिली थी, और मेरा जैसे हम अपना एक आकलन करते, हमसे ब्यूरोक्रेट पूछते भी थे कि आपका आकलन क्या है, तो मैंने कहा जो 2014 की स्थिति है वो तो नहीं मुझे लगता, मुझे लगता है कि बीजेपी की सीटें घटेगी लेकिन बहुमत में बीजेपी आ जाए, क्योंकि विपक्ष बहुत कमजोर है। तो हालांकि वो ज्यादा हुआ, वो तो 303 पहुंच गए, तो हमें कई जगह का कि आप तो कुछ कह रहे थे, अब हम क्या कहें, हमें तो पता है भाई, हो गया चलिए। अब यही चीजें 2024 में जब हम लोग कसम खा के बैठे थे कि हम मान ही नहीं सकते, वही ब्यूरोक्रेट हमें कह रहे थे कि मलिक साहब हमें तो इस बार बताया गया कि 350 से कम तो किसी कीमत पे नहीं है। मैंने कहा यार ये देखो आपकी बात 2019 में सही हुई थी तो मैं इस बार आपको कुछ ज्यादा बोलूंगा नहीं, लेकिन मैं नहीं मानूंगा, मैं तो 225 से ऊपर जाऊंगा नहीं, भले ही झूठा साबित हो जाऊं 19 की तरह। तो इस तरह की चर्चाएं बहुत ज्यादा हुई थी, मैं आपको बताऊं। जैसे कि अभी राकेश जी ने कहा, मैं भी सुन रहा हूं दुबे जी को, वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि 4 नहीं हुआ है, लेकिन उनकी एक बात से मैं सहमत नहीं हूं कि मोदी जी मान के चल रहे हैं, मोदी जी दिखावा कर रहे हैं उस चीज का कि 2024 के 4 जून की घटना नहीं हुई है, वो दिखावा कर, अंदर से तो उनको मालूम है कि ऐसा हुआ है कि जो उन्होंने सोचा नहीं था, और उसके हम गवाह हैं, और उत्तर प्रदेश उसका सबसे बड़ा गवाह है, और हमारी 40 डंडों की जो सीढ़ी वाली कहानी है वो उसकी सबसे बड़ी गवाह है। उत्तर प्रदेश से उनको शीशा देखने को मिल गया है, और ये उम्मीद ना अमित शाह जी को थी, ना मोदी जी को थी, ना दूसरे नेताओं को थी, योगी जी को भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतनी ज्यादा स्थिति खराब हो जाएगी। योगी जी को ये जरूर था कि नुकसान होगा, लेकिन इतनी ज्यादा स्थिति खराब हो जाएगी ये उन्होंने कभी सोचा नहीं था। 33 सीटें आप सोचिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अब वो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, वो सिर्फ दबाव में लेने की कोशिश कर रहे हैं, उनके दबाव में कोई नहीं आ रहा। हाउस में जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि एक पार्टी का नेता भी, चाहे वो पप्पू यादव हो, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे वो हनुमान बेनीवाल हो, चाहे वो तमाम ऐसे निर्दलीय या छोटी पार्टी के नेता हो, वो दबंगई से बोल रहे हैं सदन में। ऐसा नहीं कि खाली राहुल गांधी बोल रहे हैं और सबसे बड़े पार्टी के वो नेता है, विपक्ष के नेता, वही अकेले बोल रहे हैं, सब दबंगई से बोल रहे हैं। अखिलेश में कोई कमी नहीं है बोल, या दूसरी पार्टी के लोगों में कोई कमी नहीं है। तो ये जताता है कि विपक्ष बहुत मजबूत खड़ा है, और ये सेशन में आप देखिए आपको रोज किस तरह का तमाशा देखने को मिलेगा। इनको सीटों के नीचे छुपना पड़ेगा सत्ताधारी लोगों को। मैं फिर कहता हूं, ये जो आपने कर्नाटक से एक तस्वीर आई है, प्रेम कुमार जी ने बहुत अच्छा विश्लेषण इसका किया कि वो खाली कर्नाटक के एक सांसद की आवाज नहीं है, वो जिस साउथ पे कब्जा करने की आप बात कर रहे हैं, जो आप कहते हैं कि हम कर्नाटक में बढ़ रहे हैं, हम तमिलनाडु में बढ़ रहे हैं, हम आंध्रा में बढ़ रहे हैं, तेलंगाना में बढ़ रहे हैं, वो आवाज है। कहाँ बढ़ा रहे हैं आप, किधर बढ़ रहे हैं? 7 बार के एमपी को आप एडजस्ट नहीं कर रहे हैं तो कहाँ किधर बढ़ रहे हैं फिर आप? और आप तमाम आपने लाइन बिठा रखी है दिल्ली में जिनका कोई लेना देना नहीं है। तो ये आवाजें और उठेंगी, और ये सरकार, देखिए हमारी जो खबरें, हमारे जो सूत्र बताते हैं कि 15 अगस्त तक का ये सारा खेला है, और 15 अगस्त तक मोदी जी ने भी कहा है, बाकी लोगों से सलाह मशवरा भी किया कि एक बार 15 अगस्त का झंडा फहर जाए और मेरा ऐतिहासिक भाषण हो जाए। क्योंकि देखिए आप जो चर्चा कर रहे हैं कि इतने अच्छे अच्छे भाषण 3 महीने से मोदी जी चुनावी रैलियों में दे रहे हैं, फिर सदन में उन्होंने भाषण दिया, फिर अभी रशिया में उन्होंने कहा, तो एक भाषण उनको लाल किले पर भी तो देना है ऐतिहासिक, वो भी तो, और वो तो लंबा भाषण होगा, उसमें कितनी अच्छी अच्छी बातें मोदी जी बताएंगे, उसका विश्लेषण भी तो हम और आप बैठ के 15 अगस्त की शाम को करेंगे यहाँ, वो भी तो सुनना बाकी है अंत में।
तो इन्होंने कहा है कि मुझे एक आखिरी ऐतिहासिक भाषण देने ले लीजिए, उसके बाद जो होगा बैसाखी हटेगी, बैसाखी टूटेगी, बैसाखी चोरी हो जाएगी या बैसाखी में तेल कम गिरेगा, जो भी होगा वो सब तमाशा उसके बाद होगा। मैं आपको निश्चित तौर पर कहता हूं और पहले भी कह चुका हूं कि अब आवाजें भारतीय जनता पार्टी के अंदर से उठेंगी, बाकी जगहों से उठ चुकी है। मैं आपको लगातार कहता था कि संघ के अंदर से आवाज उठेगी, संघ की आवाज उठ गई। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के अंदर से आवाजें तेज तेज उठेंगी। अभी तो सब इंतजार कर रहे हैं कि किधर से, इधर से बाबा ने आवाज उठाई दी है, उन्होंने अपना बता दिया कि भैया हमने अपना चीफ सेक्रेटरी बना लिया है और हम किसी की सुनने वाले अब नहीं है, संदेश दे दिया है। तो बाकी जगहों से संदेश आने शुरू हो जाएंगे। अभी महाराष्ट्र से कई संदेश आपको आएंगे। सर, हमने भाषणों में तो इस तरह की बातें सुनी है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कुछ रखा ही नहीं जिसकी कोई सीमा हो हम जिस पर चर्चा करें, हमने फिर धीरे धीरे उस पर चर्चा ही करनी छोड़ दी थी। लेकिन विदेश में जाकर एक देश के प्रधानमंत्री अपने ही देश के बारे में इस तरह की बात कह रहे हैं कि 2014 के पहले देश निराशा और हताशा के गर्त में डूबा हुआ था, जकड़ा हुआ था, इस तरह की भाषा क्या किसी देश के प्रधानमंत्री को शोभा देती है? मैं पूछूंगी, भारत देश के प्रधानमंत्री को शोभा देती है क्या? प्रज्ञा जी, देखिए, कोई भी बात जब पहले होती है तब हमें थोड़ा आश्चर्य लगता है। अगर हम 2014, 12, 13, 14, 15 की बात करें तो प्रधानमंत्री जी के लच्छेदार भाषण बहुत लोगों को अच्छे लगते थे और हमें तो 15 आते आते पूरी तरह समझ में आ गया था। मैंने एक दो बार कहा भी है आपके चैनल पे कि जब प्रेस क्लब में बैठे रहते थे और वहां पे मेन स्क्रीन पे टीवी चलता था और मैच वगैरह वहां ज्यादा देखते हैं, ज्यादातर रिटायर्ड पत्रकार होते हैं, सीनियर होते हैं, तो मैच देखते रहते, अरे भाई नहीं, वो पीएम की स्पीच आ गई, वो लगाओ जरा, तो पीएम की स्पीच लग जाती थी और शांत होकर सब सुनते थे। वही सारे पत्रकार, उनमें से 80% पत्रकार बाद में 15 में ये बोलने लगे, अरे क्या लगा रखा मोदी मोदी, हटाओ इसको, मैच वैच नहीं आ रहा कोई। तो 15 में ये स्थिति बननी शुरू हो गई थी। मैं शर्मिंदा खुद को महसूस करता हूं जब मैं पिछले 3 महीने से प्रधानमंत्री जी के चुनावी भाषण सुनता था, उसके बाद मैंने उनका हाउस में देखा कि कोई बदलाव उनमें नहीं आया, उसके बाद ये पहली यात्रा है, वहां तो उनको कुछ बोलने का मौका मिला ही नहीं इटली में, ये पहली यात्रा है इनकी जिस पे हम इस तरह की चर्चा कर रहे हैं। और आपने खुद ही कहा कि अब तो हमने चर्चा ही करना बंद कर दिया मोदी जी के स्टेटमेंट पे, उनके भाषणों पे, तो अभी हम क्या करेंगे कि इस पे भी चर्चा करना बंद कर देंगे। मुझे लगता है विदेश में जाकर बोलना, राकेश पाठक सर ने बिल्कुल दुरुस्त बात कही कि यही राहुल गांधी जब विदेश जाकर के लोकतंत्र की बात करते हैं तो उनको ये कह दिया जाता है कि उन्होंने देश का अपमान किया, माफी मंगवाई जाती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जिनके भाषण पर सर नजर होती है पूरी दुनिया की कि भारत देश के इतने मजबूत लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री ने क्या कहा, जरा सुना जाए, तो वो सुनते हैं कि 2014 के पहले तो भारत निराशा और हताशा की गर्त में जकड़ा हुआ था, डूबा हुआ था, अब जाकर आत्मविश्वास से भरा, ये क्या है सर? प्रज्ञा, मैं पहले ही कह चुका हूं कि हाउस में भी जब प्रधानमंत्री बोलते हैं तो कई विदेशों की नजर, दूसरे देशों की नजर हमारे प्रधानमंत्री पर रहती है और उन्होंने क्या बोला क्या कहा, तमाम मीडिया एजेंसी बाहर की भी आया, छपता भी है, तो हम तब भी आश्चर्यचकित कर रहे थे कि प्रधानमंत्री इतनी गिरी हुई भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, गरिमा गिरा दी है इन्होंने प्रधानमंत्री पद की भी, तब भी हम चर्चा करते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं यार, उसका अनुभव भी मैंने किया है। प्रधानमंत्री जी का कुछ दिन से एक एड चल रहा है, मैंने तो टीवी पे तो देखा नहीं, मैंने ऑडियो सुना है गाड़ी में, उन्होंने ये कहा कि अपनी मदर के साथ सेल्फी लगाएं और पैड लगाएं, पैड मतलब पेड़ को वो पैड बोल रहे हैं और उस एड में वो एक बार नहीं 6 बार बोल रहे हैं। तो आप ये सोचिए कि जो लोग रिकॉर्डिंग कर रहे थे, ऑल इंडिया रेडियो का पूरा स्टाफ होता है, उनमें से किसी की हिम्मत ये नहीं हुई कि सर ये गलत वर्ड है, इसको आप ठीक कर लीजिए। आप देखिए प्रकाश का देखिए आप, क्योंकि मुझे जानकारी है दूरदर्शन, PIB और ऑल इंडिया रेडियो के लगभग आधा दर्जन लोग सस्पेंड हो चुके हैं, आप समझ रहे हैं, तो उनको ये पता है कि जो भी बोलेगा उसके गले में घंटी बंधेगी, तो इसलिए कोई बोलता ही नहीं है। आज भी जो प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कह रहे हैं, मुझे लगता है कि चाहे इनके सलाहकार हों, चाहे एडवाइजर हों, चाहे PMO के हों, चाहे दूसरे डिपार्टमेंट के हों, चाहे विदेश मंत्रालय के लोग हों,
किसी की हिम्मत इनको कुछ कहने की नहीं है और अपनी मन मर्जी अल बल कुछ भी बोले जा रहे हैं। अब इसका संदेश कहां तक जा रहा है, इसका मैसेज कहां तक जा रहा है? क्या हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उनकी एक एक बात पे, एक एक वर्ड पे चाइना भी कान लगाए सुन रहा है, अमेरिका भी कान लगाए सुन रहा है, पाकिस्तान भी कान लगाए सुन रहा है, तमाम जो हमारे दुश्मन या दोस्त देश हैं वो सब कान लगाए, टकटकी लगाए, मोदी जी पे नजर गड़ाए हुए हैं, मोदी जी क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं। और वो वहां पर रशिया में पुतिन साहब को कह रहे हैं कि गप्पे लड़ाने की बात कर रहे हैं, या प्रधानमंत्री जी के मुंह से ये भाषा शोभा देती? मैं पहले ही कह चुका हूं कि प्रतिनिधि मंडल जाता है, तमाम चीजों पर चर्चा होती है, समझौते होते हैं, इस यात्रा में कोई उस तरह की चीजें दिखाई नहीं दी। तो ये मुझे लगता है कि भारत का अपमान है विदेशों में, जिस पर हमें खुद भी शर्मिंदा होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी तो कर ही रहे हैं, लेकिन हम भी तो उसी देश के वासी हैं, तो हमें तो खुद शर्म आ रही है, लेकिन हम कर क्या सकते हैं या डिस्कस कर सकते हैं? इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता हम कुछ कर सकते हैं। जी